ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਣੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। बैंक के अधिकारी बैठे हुए थे तो उन्होंने जिदा उत्थे ही ना कहते खोल दें अकाउंट। उन्होंने मेरे फोटो खिंचिया आधार कार्ड की पैन कार्ड की घर आ जाएगी पासबुक एटीएम कार्ड सारा कुछ आ जाएगा एड्रैस से। हाले तक कुछ भी नहीं आया। कल साढ़े घर आके जिदा मैं वड़े वड़े मैंबर आए तो कहें कि तुम इदा लखा के हिसाब ना ट्रांजैक्शन घूमी है तुम इतों पैसे लिते मैं कुछ भी नहीं पता की हो रहा है। किसी के अकाउंट से 18 लाख का होया किसी के 20 लाख का होया। इन्हों के बैंक के बंद ने सू स्टेटमेंट ही नहीं दी। बैंक के बंदे साढ़े हिसाब ना विच मिले होने जिन्हों के उन्होंने पहला प्रूफ ले ले सी वह इस टाइम तो सारे के सारे फस चुके हुए हैं। केजरीवाल का नाम लिया गया वा कि केजरीवाल के खाते आ मैनू कहते जी मोदी के खाते आ। पासबुक ने चेकबुक कुछ भी नहीं दिता हुआ वो सब कुछ उन्होंने अपने एड्रेस से आ रहा वो लखा के हिसाब ना कहते ताडे इधर उधर पैसे हुए आ 10-12 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है। जेड़ा मैनेजर वो भी झूठ बोल रहा है। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रवि गिल जिम्मे की आम आदमी पार्टी वालों जो फार्म घर घर के जाके भरे जा रहे थे उन्होंने लैके लोगों का कहना कि उन्होंने नाल ठगी हो चुकी है। सो भार्गो कैंप थाने के कई लोग इकट्ठे होकर आए हैं कि उन्होंने कहना है कि जो घर आन के फार्म भरे जा रहे थे उन्होंने लो अकाउंट भी खुलवाए गए थे उन्होंने उन्होंने नंबर चेंज करके करोड़ों रुपए की ठगी हो चुकी है। सो उन्हें गलबात करते हैं। की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम परमजीत कौर है। मैनू उन्होंने कहा केजरीवाल के सरकारी अकाउंट जो 1000 रुपया महीने वाला ऐलान किया ना केजरीवाल ने वो अकाउंट खोलन लगे आ तो मैं जिदा खुलवा ली गई तो मैं तो आंटी ने मैनू लैके गए कहते आज ताडा अकाउंट खुलवा दिए तो जेडे बंदे ना वो कहते गड्डी असी तुम बिठा के ले जाना बैंक उत्थे ताडा अकाउंट खोल के तुम वापस भेज देना। फिर जो असं गड्डी बैठे बिच बैम इनोसेंट बैंक है ना जो एक दो बंदे बैठे हुए थे वो कहते इतने खोल देना क्योंकि उत्थे भीड़ बहुत ज़्यादा हैगी है। बैंक के अधिकारी बैठे हुए थे तो उन्होंने जिदा उत्थे ही ना कहते खोल दें अकाउंट। उन्होंने मेरे फोटो खिंचिया आधार कार्ड की पैन कार्ड की फिर उन्होंने मेरे दो पासे सिग्नेचर कराए तो फिर कहते फोन दियो एक मिनट OTP आना आ। फिर उन्होंने मेरा फोन देखा तो विचों OTP पता नहीं उन्होंने कुछ डिलीट किया मैनू नहीं कुछ भी पता। उस तो बाद दैन वो कहते ना आ जाएगा ये घर आ जाएगी पासबुक ATM कार्ड सारा कुछ आ जाएगा एड्रैस से। हाले तक कुछ भी नहीं आया तो जो कल साढ़े घर आके जिदा मैं वड़े वड़े मैंबर आए तो कहें कि तुम इदा लखा के हिसाब ना ट्रांजैक्शन घूमी है तुम इतों पैसे लिते मैं कुछ भी नहीं पता की हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं मैं किसी के अकाउंट से 18 लाख का होया किसी के 20 लाख का होया इन्हों के बैंक के बंद ने सू स्टेटमेंट ही नहीं दी। एक ना लास्ट मैसेज मैं फोन च देखा परमजीत कौर दे 10000 रुपया पाया गया निकलवाया गया फिर यद नंबर चेंज कर दिता गया उस तो बाद बैंक के बंदे आ रहे पता नहीं नोएडा तो कितों कितों कहते पे लखा की ट्रांजैक्शन हो रही है 20 लाख 30 लाख रब जाने। बैंक के बंदे साढ़े हिसाब ना विच मिले हुण बाकी रब जाने हुण वड्डे लोग जो भी अथॉरिटीज ये वीडियो देख रही हुण उही पता कर सकदियां कि की चल रहा थे क्योंकि बैंक चो भी वह बंदा सानू उही मिलिया जिन्हें गड्डी च बह के इहदा खाता खोलिया आंटी का खाता खोलिया भाजी का खाता खोलिया अलग अलग बैंक च खोल रहे इंडोसिंड बैंक च खोल रहे ICIC च खोल रहे SBI बैंक च खोल रहे खाते। ये कहते मतलब पिंड दे नाल होर भी बंदे इकट्ठे करन दी कोशिश की लेकिन जो मैं शक पिया मैं बाकी सारे बंदे लैके वापिस चली गई। मैं उन्होंने समझाया कि फोन चो कुछ डिलीट कर रहे हैं असी इन्हां कोल नहीं आना बट जिन्होंने उन्होंने पहला प्रूफ ले ले सी वो इस टाइम तो सारे के सारे फस चुके हुए हैं। उन्होंने घर बंदे आ रहे हैं वो कहते भी तुम लखा रुपये इन्ना उंटो रहे हैं ताडे अकाउंट च 2000 रुपया महीने किराए तो यह भैन रह रही है। उन्होंने घर भी 2 मरले च गाडरा के घर है कोई लेना देना नहीं असी ना कोई रुपया बैंक च पाया तो ना कढ़ाया। केजरीवाल का नाम लिया गया वा कि केजरीवाल के खाते आ मैनू कहते जी मोदी के खाते आ। उदो मैनू दिमाग थोड़ा जहा लगा कि पहला कहते केजरीवाल के खाते हुण नाम ही लई जा रहे हैं कहते इलैक्शन आए उदे करके जी ताडे खाते खुलने 1000 रुपया आना अकाउंट में जिन्हें जिन्हें गरीब बंदे आ उन्होंने टारगेट किया जा रहा विलेजर्स नू टारगेट किया जा रहा जिन्होंने कुछ नहीं पता उन्होंने कहते जी ताडे फोन से OTP नहीं आ रहा ताडे सैटिंग च प्रॉब्लम है लियाओ जरा अपना फोन दिखाओ एक मिनट वास्ते एक मिनट में उन्होंने ताडे फोन चो मैसेज डिलीट कर देना तुहानू पता ही नहीं लगना ताडे प्रूफा ताडे खात्या च लखा रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है
कौन पा रहा कौन कौन कढ़ा रहा सानू कुछ नहीं पता है। बैंक वाले जो बैंक वाले लैके या तो बैंक वाले को लेके जाते आम आदमी पार्टी के बंद ने जो अज मैं इनोसेंट बैंक च गई जेड़ा गड्डी च सीगा ना बंदा जिन्हें मेरा अकाउंट बनवाया सी नहीं जिदा उन्हें मैं देखा मैं क्या भाजी तुम मेरा अकाउंट खोलिया पर मैं ये वाला कहते इदा लखा दे हुंदा मैं ना कोई मिलिया कोई कापी नहीं मिली कोई एटीएम नहीं मिलिया वह झूठ बोलन लग पाया मैं तो फिर उन्होंने अंदर चली गई ना खाता खुलाया ना उदो ही थोड़ा ओटीपी आया जिहड़ा उन्होंने उदो ही ओटीपी लैके नंबर चेंज कर लिया अपना उस तो बाद सानू इन्हां नूं कोई मैसेज नहीं कोई कुछ नहीं आया ना इन्हां नूं पासबुक ना चेकबुक कुछ भी नहीं दिता होया वो सब कुछ उन्होंने अपने एड्रेस ते आ रहा ट्रांजैक्शन सिर्फ एक वेलकम कार्ड दिता अज मैं बैंक वाले मेरे को ना एटीएम ना कुछ कहिंदा जिहड़ा उत्थों दा मैनेजर सी कहिंदा नहीं तुहाडा पासबुक उत्थे पहुंच गई है घरे घरे कुछ भी नहीं आया हले तक जिहड़ा मैनेजर वह भी झूठ बोल रहा है नंबर ओटीपी डिलीट कर दिते गए बाकी हुण पता नहीं लोन का की लेना देना बट लखां रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है इन्ना क्लीयर है बंदे घर आ रहे बैंक दे ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सानू इस मुसीबत तो बचाया जावे जो मर्जी इनक्वायरी करनी कर लो साडा कोई लेना देना नहीं है भैन का कोई लेना देना नहीं है आंटी का कोई लेना देना नहीं लखां दी ट्रांजैक्शन हो रही है पता नहीं कहते इलेक्शन करके ते हज़ार रुपये का अकाउंट खोलेंगे लोग पागल बन रहे हैं पिंडा दे लोग पागल बन रहे हैं कहते कि मतलब केजरीवाल का खाता खुलेगा खुलेगा लखा की ट्रांजैक्शन हो रही फ्रॉड हो रहा वा हाँ जी केजरीवाल का हजार रुपए वाला खाता जो उन्होंने हाँ मतलब ऐतवार गुरुद्वारे आए भी बाकी मेरे घरे हले तक कुछ भी नहीं आया मैं अपने सस सोरा नूं फोन किया मैं मम्मी कुछ आया कहिंदे कुछ भी नहीं आया उन्होंने इन्ना कहा कि तुहाडे घर वड्डे वड्डे उत्थे अफसर आए सीगे ओह कहिंदे आ तुसीं परमजीत कौर ने ना अमाउंट इधर उधर होया है मैनूं उन्होंने यही कहा सीगा कि असीं ना तुहाडा अकाउंट खोलना केजरीवाल जनानियां वाला हज़ार रुपये महीने वाला केजरीवाल ने ऐलान किया सीगा असीं ओह मैं कह मैनूं कह के इन्हां ने खुलवाया मैनूं नहीं हुण मैनूं कुछ भी नहीं उहदा मिलिया ना एटीएम ना पासबुक कुछ भी नहीं दित्ता इन्हां ने इन्होंने मैनूं कहा कि तुहाडे एड्रैस तुहाडे एड्रैस ते आपी आ जाणा आ थोड़ा सरकारी काम थोड़ा लेट हो रहा है इलैक्शनां करके मैं भी इन्होंने कुछ किया कल साढ़े घर बंदे आए थे वो जिदा फोटो खिंचन लग पे घर दियाँ इदा इदा देख लग पे तो मैंने फिर मेरी सस का फोन आया कि इतने कोई आया हो मैं किराए तो रही पी 2000 रुपया महीना दे के
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਚੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਬਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਦੱਸਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੋਸੈਂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਖੁੱਲਾ ਇੰਡੋਸੈਂਟ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਮਖਾਨੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟੀਪੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬਸਤੀ ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਓ ਟੀ ਪੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਓ ਟੀ ਪੀ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਆਈ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9919504350